ये तो हमने किया भी नहीं था। हाँ तो आप देखेंगे इसकी जितनी भी अनंत स्पर्शी है ना, पहले उनको चेक कर लेते हैं, और भी जो अनंत स्पर्शी पॉसिबल हैं, तो इसमें सबसे पहले वक्र के समीकरण को एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब माइनस ए वाई स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लाके लिख दिया माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें ये तीन तीन घात के हैं, तो इसको फाइव थ्री एम लिखोगे, फाइव थ्री एम लिखोगे तो यहाँ वाई की जगह एम रखना होता है, एक्स की जगह एक, तो ये हो गया फाइव थ्री एम। नेक्स्ट फाइव टू एम के बारे में देखें तो यहाँ वाई की जगह एम रखोगे तो माइनस का ए एम स्क्वायर और माइनस का ए, दो घात के है ना। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है कि फाइव थ्री डैश एम निकालेंगे तो ये टू एम बना, फाइव थ्री एम को जीरो रखेंगे तो यहां से एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो रखा तो एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का वन, एम की वैल्यू प्लस माइनस वन आ गई ना। तब सी बराबर आप जानते हैं कि तब सी इक्वल टू माइनस फाई टू एम अपॉन में फाई थ्री डैश एम, तो ये बना सी इक्वल टू माइनस फाई टू एम, फाई टू एम का मान है ये, माइनस कॉमन लेकर के माइनस का ए कॉमन लेकर के एम स्क्वायर प्लस वन बना अपॉन में, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन में आएगा फाई थ्री डैश एम जिसकी वैल्यू है ये टू एम। आप एम बराबर एक रखेंगे तो सी बराबर आएगा ऊपर एक और एक दो नीचे दो कट गया ए बच गया, एम बराबर माइनस एक रखेंगे तो ऊपर आएगा दो नीचे आएगा माइनस का दो तो ये माइनस ए बना। तो अब आप समझ गए होंगे एम और एम का मान एक तो सी का मान एक, यानी एम पॉजिटिव तो सी पॉजिटिव, एम नेगेटिव तो सी नेगेटिव, तो जो अनंत स्पर्शी हुई ना बाकी की और भी उनको लिख सकते हैं, तथा एक तो अनंत स्पर्शी हो गई एक्स बराबर ए, दूसरी आएगी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो एम का मान एक है सी का मान ए, दूसरा आएगा वाई बराबर माइनस का एम एक्स माइनस सी। ओके इनको चाहो तो लेफ्ट साइड में ला करके या राइट साइड में ला करके लिख सकते हैं, जैसे भी आप इनको लिखना चाहें। तो ये रही इसकी अनंत स्पर्शी। अब ये अक्षों पर यानी सॉरी अनंत स्पर्शी निकाली ना हमने ये टोटल, तो इनको और भी लिख सकते हो x माइनस वाई बराबर माइनस ए, और यहां से बनेगा x प्लस वाई बराबर माइनस ए। ओके तीन अनंत स्पर्शी हुई है, इनके बारे में भी जिक्र करेंगे। अक्षों पे प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दिया आपने, क्षेत्र निकाल दिया, क्षेत्र के लिए y को हल कर लिया, अभी क्षेत्र और निकालना है। लेकिन उससे पहले जो आपने अनंत स्पर्श अब आप क्या एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हमें वो उधर से हटाना है, तुम उसका स्क्रीनशॉट लें। कैसे चुप सा बैठा है, मोबाइल चल रहा है तो कैसे साथ के साथ नोट कर रहे हो, दिखाना मैं भी तो देख लूं। वाह कितनी स्पीड है, इसको भी तो लिख लिया, कहाँ लिखेगा, मैं तो मिटा रहा हूँ अब इसको, हाँ बाद में किसी दूसरे के में से लिख लेना। नेक्स्ट समझेंगे अब आप इसमें। चैप्टर आठ का मेथड ही तो लगाया है ना अनंत स्पर्शी निकालने के लिए, जो पढ़ा दिया बस वही काम में लिया है और कुछ नहीं ऐसा किया हमने। अब देखो इसमें नेक्स्ट इसके लिए एक टेबल बनानी होगी और इसका फिर डायग्राम समझेंगे आप।
पहले जैसा कुछ कहा है उसको लिख देते हैं। वक्र का समीकरण एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, यानी इस एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित। दूसरा है मूल बिंदु एक वियुक्त बिंदु है तो वक्र इस मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा। तीसरा अनंत स्पर्शी। अब देखिए अनंत स्पर्शी एक तो x प्लस वाई बराबर माइनस है, तो मतलब x जीरो रखोगे तो y माइनस से आएगा और y जीरो रखोगे तो x माइनस से आएगा। मतलब ये लाइन जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ? अच्छा दूसरा देखो, एक ये और है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस है, मतलब x जीरो रखोगे तो y a आएगा, x जीरो रखोगे तो y a आएगा ना, x जीरो तो y a यहां बनेगा ना कहीं। दूसरा देखिए y जीरो रखोगे तो x माइनस a आएगा, y जीरो रखोगे तो x माइनस a आएगा, यहां बनेगा ना। तो यानी एक लाइन जाएगी कुछ इस तरह से। अच्छा एक और देखेंगे अभी इसमें, तीसरी अनंत स्पर्शी क्या है x बराबर a, तो जितनी दूरी ये है a की उतनी दूरी यहां होगी, तो x बराबर a की लाइन जाएगी कुछ इस तरह से। तीन अनंत स्पर्शी हो गई ना ये x बराबर a, और ये हो गया यहां मूल बिंदु जीरो जीरो, ये x अक्ष है ये y अक्ष है। इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? थोड़ा सा हमने इसको झुका दिया है, कम जगह पड़ जाएगी इसीलिए, ठीक है ना? मान ही नहीं रहा था। अच्छा अब देखिए इसमें पैथ वाले कहीं भी जुगाड़ लगा देते हैं ना, ऐसे सोच रहे हो? अच्छा अब देखो इसमें टेबल को समझो इसमें ढंग से जरा। एक एक्स का मान होगा, दूसरा वाई का मान होगा, आप देखेंगे यहां एक बार ये डिसाइड कर लो कि क्या वक्र का मान यहां जो ये पॉइंट है ना ए जीरो, क्या इससे राइट साइड में है क्या? ए के बाद टू ए रख के देख लो, संतुष्ट हो जाएगा क्या? मतलब पॉजिटिव में आ जाएगा क्या? टू ए लिखोगे ना तो ऊपर टू ए नीचे टू ए माइनस ए पॉजिटिव आएगा रूट में, इसका मतलब वक्र का जो भाग होगा ना वो ए के राइट साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में देख लो फिर है कि नहीं है। देखना अगर यहाँ ए से पहले ए बाई टू रख लें, ए बाई टू रख के देखो, ए बाई टू रखोगे ऊपर तो पॉजिटिव रहा लेकिन नीचे ए बाई टू माइनस ए करोगे तो माइनस में ए बाई टू आएगा, मतलब संतुष्ट नहीं होगा ना। इसका मतलब है कि जीरो से और ए, देखो जीरो जीरो तो एक वियुक्त बिंदु है, इससे गुजर ही नहीं रहा पॉइंट। इसके बाद में और आ जाओ तो इधर जरा, ये पॉइंट था अपने पास जीरो कॉमा माइनस ए, माइनस ए बाई टू रख के देख लो इनके बीच में, तो माइनस ए बाई टू रखोगे ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे रखोगे माइनस ए बाई टू माइनस ए तो नेगेटिव, इसका मतलब नहीं होगा वक्र। फाइनली आप ये कह सकते हो कि जीरो माइनस ए और ए जीरो के बीच में तो वक्र का कोई भाग है ही नहीं, ठीक है ना? अब देखो फिर इसमें अगर इसके बीच में वक्र का कोई भाग नहीं है तो फिर वक्र है कहां? आपने देखा कि एक ए जीरो, एक्स का मान ए रखने पर वाई का मान क्या आया? जीरो।
अगर x का मान 2a रखें तो देखो x का मान 2a रखें तो देखो y का मान कितना है, क्या a रखने पे क्या आया, अनंत, सॉरी इनफाइनाइट आएगा, a रखने पर इनफाइनाइट, a रखने पर इनफाइनाइट, ठीक है ना, a पर अनंत आ गया, 2a रखोगे तो ऊपर तो बनेगा 3 और नीचे आएगा a, रूट तीन रह जाएगा ना, अच्छा रूट तीन, तो ये बना 2a रूट 3 या 2 रूट 3a, ठीक है ना, प्लस माइनस में 2 रूट 3a, अच्छा अब 2a के बाद में और भी देख लो कुछ रूट 3a की तरफ, अरे 2a के बाद 3a देख लो, अगर आप 3a रखें तो कितना बना 3a और a 4a, 4a अपॉन 2a, 2a बचा, अच्छा 2 बचेगा, 2 तो यहां बचा, रूट 2 बच रहा है ना, 3a यहां रख रहे हो तो 3 रूट 2a प्लस माइनस 3 रूट 2a, देखो मैं तुम्हें बता दूं इन तीन पॉइंटों से ही वक्र किस डिजाइन का बनेगा, x का मान a लिया यहां हो गया है ना, फिर हाँ a पे अनंत, अनंत बोले तो इस पे आगे की तरफ y का मान अनंत, y का मान अनंत मतलब ऐसे अनंत स्पर्शी तो है ही है, अनंत स्पर्शी तो क्या है ये है ही, तो वक्र ना कुछ इस तरह से आ रहा होगा अनंत से, फिर ऐसे करके और डायग्राम जो बनेगा वो बता रहे हैं आपको, अभी देखो अनंत से आ रहा है ना, जब आपने x का मान a लिया तो y का मान क्या है कुछ बड़ा, बढ़ाई तो पॉजिटिव वालों को देखो आप, नेगेटिव वाला तो नीचे बनेगा फिर डायग्राम, और फिर कितना है और बड़ा y का मान, ये कितना है अनंत है ना, पहले घटा भाई, देखो पहले घटा 2 रूट 3 a आया अनंत से, बहुत बड़ी संख्या थी उससे 2 रूट 3 आ गया, फिर क्या है प्लस का 3 रूट 2 a और बढ़ गया, देखो 2 रूट 3 ज्यादा होते हैं या 3 रूट 2 ज्यादा होते हैं, कितने 3 रूट 2 ज्यादा होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये पहले अनंत था फिर मान घट गया फिर कुछ और बढ़ने लग गया फिर आगे बढ़ता जाएगा, वो कैसे सुन लो, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन अनंत स्पर्शी है, अनंत स्पर्शी को वक्र काटता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अनंत स्पर्शी को वक्र है ना अनंत पर स्पर्श करते हुए महसूस होगा, मतलब एक वक्र तो ऊपर इस तरह से जाएगा और एक वक्र जाएगा नीचे, क्योंकि जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये तो पता है एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो जैसा ऊपर डायग्राम बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा, तो ऐसे ही करके कुछ यहां बनेगा, लेकिन टच नहीं करना है आपको, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखनी है, ठीक है ना, लेकिन अभी और रुक जाओ थोड़ा और देखो अभी वक्र को, अभी तो हमने इधर के लिए पॉइंट लिए थे, मैंने इन ज्यादा पॉइंट नहीं निकाले, आप चाहे तो ज्यादा पॉइंट निकालोगे तो और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, हमने क्या है कम लिए हैं क्योंकि अभी कुछ इधर भी है ना वक्र का भाग माइनस ए के साइड में, तो इसको भी देखना है, तो माइनस ए पे कितना आ रहा है जीरो, माइनस ए पे तो जीरो है ना, एक्स की जगह माइनस ए लिखोगे तो ए माइनस ए जीरो, ठीक है, माइनस टू ए रखें तो माइनस टू ए पे कितना बना, देखो माइनस का टू ए रखोगे ना, माइनस टू ए ऊपर माइनस टू ए प्लस ए तो माइनस ए, और नीचे माइनस टू ए माइनस ए माइनस थ्री ए खत्म, वन अपॉन रूट थ्री बचेगा, ऊपर यहां माइनस टू ए लिख रहे हैं तो माइनस का माइनस है या प्लस माइनस है बातें की है, तो प्लस माइनस का कितना रखा टू ए रखा ना, तो टू अपॉन रूट थ्री आएगा ना, प्लस माइनस का टू अपॉन रूट थ्री ए, अच्छा अगर थ्री ए ही रख दें तो थ्री ए रखोगे ना ऊपर माइनस का, माइनस का अगर ऊपर थ्री ए लिखें
माइनस का 3a प्लस a तो माइनस का 2a, और नीचे क्या आएगा माइनस 4a, तो माइनस 1 बाई 2 माइनस कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2 बना, 1 अपॉन रूट 2, 3a रख रहे थे ना, तो 1 अपॉन रूट 2 तो 3 अपॉन रूट 2a, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां देखो रूट 3 का मान 2 में दे रहे हो, ये मान छोटा होगा ना बजाय इसके, समझो यहां रूट 3 का भाग दे रहे हो 2 में, यहां छोटी संख्या में और बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, एक रूट 3 बड़ी है ना रूट 2 से, तो 2 में रूट 3 यानी बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, और यहां 3 में रूट 2 का भाग दे रहे हैं, तो बड़ी कौन सी होगी इन दोनों में, ये वाली बड़ी होगी ना, ये मान बड़ा, इसका मतलब आगे चलोगे तो और बढ़ेगा, ठीक है ना। चेक कर सकते हो और भी पॉइंट, लेकिन पॉइंट हमारे पास इतने जगह है नहीं। सुनो अब मेरी बात, वक्र यहां से गुजर रहा है ना, तो इसका मतलब है अनंत स्पर्शी, एक तो ये है, एक तो ये है, और एक ये है। अब देखो डायग्राम क्या पॉसिबल हो सकता है, इस पॉइंट से गया वक्र, ठीक है, और माइनस टू ए पे कुछ और वक्र का भाग होगा, देखो माइनस यहां पे तो जीरो है, माइनस टू ए इधर आएगा ना, तो वक्र का कुछ भाग है, इसका मतलब वक्र कुछ ऊपर होगा, कितना है, एक से कम है, पर ए से कम ऐसे कह दो, ए से कम, और ए कहां है, यहां है, तो इससे कम रहेगा कुछ, कुछ नीचे की तरफ रहेगा, यानी इस लाइन से तो ऊपर बनेगा, इस लाइन से तो क्या बनेगा, थोड़ा ऊपर, पॉइंट के अकॉर्डिंग सोचोगे ना, क्योंकि अनंत स्पर्शी को कभी भी वक्र काटता नहीं है, पता है कि नहीं, हाँ ए से ऊपर बनेगा ये, सॉरी हाँ ए से ऊपर बनेगा, दो में भाग दोगे ना 1.732 का, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली छोटी है, तो एक से ऊपर बनेगा, इस ए से क्या बनेगा, ऊपर बनेगा वक्र। तो मेरे कहने का मतलब है ना, जो वक्र जाएगा ये अनंत स्पर्शी है, कुछ अनंत स्पर्शियों को भी ध्यान रखना होता है, अनंत स्पर्शी है तो इसको तो काटेगा नहीं वक्र। तो देखो यहां से वक्र जो बनेगा ना, वो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा ऊपर, क्लियर होगा, पॉइंट निकालोगे, फिर पॉइंटों को यहां रखोगे, समझ रहे हो कि नहीं, और जैसे ऊपर जाएगा वक्र वैसे ही कहां नीचे आएगा, ये कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा ये डायग्राम। बात क्या है कि ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, वैसे मुश्किल से 25 क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग के होंगे, और वही घूम फिर के आते हैं एग्जाम में, इसीलिए थोड़ा सा, और देखो इसके लिए वैसे तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसके लिए कर्व ट्रेसिंग के लिए प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है, ऐसे नहीं है आप सोचें कि एक सवाल कर लिया और सब सवालों को कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने आपको पिछली जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन समझ लिया तो समझो 50%, दूसरा समझा तो 70% समझ में आ जाएगा, यही मेरा गणित था मैंने आपको जो बताया, फिर जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उससे और अच्छा क्लियर होता जाएगा, इसीलिए मैंने तुमसे 100% तो कहा ही नहीं था, समझ गए कि नहीं। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका, क्या हुआ, क्या जीरो कॉमा, हाँ गुजर रही है ना ये, अरे तो भाई यहां तो देखो जीरो कॉमा माइनस ए से पास हो रही है, वो तुम कह रहे हो पास हो रही है, मैं तो ये कहूंगा यहां से केवल हाँ जीरो कॉमा माइनस ए से पास हो रही है, लेकिन ये वक्र तो ऊपर जा रहा है। अब तुम्हारा कहना है साहब अनंत स्पर्शी है तो ये इसको काटेगी थोड़ी, ये अनंत स्पर्शी, मैं ये भी तो कह सकता हूँ जीरो कॉमा माइनस ए पर है ये अनंत स्पर्शी, और इधर का हिस्सा लग रहा, समझे कि नहीं, ऐसे
अब आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको करना है सॉल्व, और हम इसमें अब आपको अगली जो मीटिंग होगी उसमें आपको पोलर वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे बस, और अगर जिन जिन बच्चों को भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अब जैसे इस क्वेश्चन के आधार पर काफी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन को कराया है इसके आधार पर ही बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। इस मीटिंग में बस इतना ही।